नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। खंडवा लोकसभा क्षेत्र के वर्तमान भाजपा से सांसद एवं भाजपा से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे नंद कुमार सिंह चौहान की तबीयत बिगड़ने पर उनका खंडवा के डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कर ट्रू नॉट मशीन से भी चेकअप किया गया तो वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हमारी खबर समय जगत के दर्शकों को बता दें कि सांसद नंद कुमार सिंह चौहान दिन भर ओमकारेश्वर में आयोजित की गई फ्लोटिंग सोलर प्लांट की समीक्षा बैठक में नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग और माधानता विधायक नारायण पटेल, खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा एवं पार्टी के अन्य नेता सहित अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ शामिल थे, जिसको लेकर कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ था। मंत्रिया जो प्रोजेक्ट था ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज जी की देन है और वो पूरे एक पहचान जो बनी है मध्य प्रदेश ने हिंदुस्तान में हनुमंतिया की पहचान पर्यटन के क्षेत्र में बनी है और जो संभावना है उसमें और क्या अच्छा हो सकता है। माननीय सांसद महोदय, यहाँ के विधायक महोदय, लगातार हमने चर्चा करी हो और आगे भी इस पर चर्चा हो सके कि और इसको कैसे बनाया जाए। स्थानीय निवासियों के लिए अभी तक एनएचडीसी द्वारा या आपकी सरकार द्वारा कोई सौगात नहीं दी गई है, तो क्या आप सौगात देंगे इसके बारे में? अगर कोई रिपोर्ट आएगी और जहां पर भी जो भी अच्छा हो सकेगा, हम जितने भी जो सौगात की बात कर रहे हैं तो सौगात तो ये है कि इस क्षेत्र निमाड़ क्षेत्र में जो भी हमारे सांसद महोदय ने बताया है कि यहाँ पर खोया भी बहुत है तो यहाँ पर पाया भी बहुत है और अभी जो प्लांट डलने जा रहे हैं यहाँ के, ये सौगात हिंदुस्तान के लिए भी और दुनिया के लिए भी है कि विश्व की सबसे बड़ी योजना यहाँ पर डलने जा रही है। पर्यावरण बचाना भी एक इसके मध्य वो हो जाता है कि पर्यावरण में बचत हो और आज जो वर्तमान के दौर में ऊर्जा की जितनी बचत हो और सौर ऊर्जा का जितना ज्यादा ज्यादा उपयोग किया जाए तो पर्यावरण बचत करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, क्योंकि आज अपन को अंदेशा जो आगे जो महसूस हो रहा है कि आज डीजल पेट्रोल कोयला जिससे पर्यावरण दूषित हो चुका है, आज जो यहाँ पर भोलेनाथ बैठे हैं तो ऊर्जा दे रहे, अपन सूर्य भगवान की ऊर्जा से पर्यावरण का बहुत संरक्षण यहाँ पर होने जा रहा है और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में पूरे हिन्दुस्तान और पूरे विश्व में सोलर ऊर्जा का ही बोलबाला रहेगा जिससे पर्यावरण की बचत हो सके। मंत्री जी, जहाँ जहाँ भी ये प्रोजेक्ट डाले गए हैं आज तक स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिलने के कारण लाभ नहीं हुआ है, इसलिए हर जगह विरोध हुआ, तो क्या ये प्लांट डलेगा तो इसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता रहेगी? हमारे सांसद महोदय, हमारे विधायक जी और सभी, और मैं यहाँ खुद बैठा हूँ और हमारे मुख्यमंत्री जी सब ने ये कह चुके हैं कि 70% युवा लोकल लोगों को रोजगार मिले। और सबसे अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि भारत और मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर हो, यह हमारे मुख्यमंत्री जी की सबसे महत्वपूर्ण योजना है और उसमें जो भी ये प्लान डल रहा है ये आत्मनिर्भर की, इसमें कई जो अभी हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, अभी हमारे एम्बेसडर बने हैं चेतन जी सोलंकी, अभी परसों मेरी उनसे भी मुलाकात थी, वो सोलर प्लेटें कैसे बनाई जाती है, आगे प्लान कैसे बनाया जाता है, इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और युवाओं को रोजगार 70% इसमें उनको नौकरी मिलेगी, पूरी संभावना आपको विश्वास दिलाते हैं उनको रोजगार मिलेगा। धन्यवाद। खंडवा से खबर समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ दीपक चाबरी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।